अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे चैनल और मेरे वीडियोस को इतना पसंद किया। ओके, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे चैनल को इतना पसंद किया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बैल के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी करते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा टॉपिक है वो बेल के कनेक्शन का है कि बेल के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो मैं इधर देखें, मैंने एक आपको एक आर्जी तौर पर एक ये घर बना दिया है और ये बेल स्विच बना दी है। ठीक है, अच्छा, बेल स्विच कैसा होता है? ये बेल स्विच जो घरों में लगे हुए स्विच होते हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। बेल स्विच जो की जो कैटेगरी आती है वो पुश बटन में आती है। पुश बटन से मुराद ये होता है कि जब आप बटन को एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो वो दोबारा अपनी हालत में वैसे ही आ जाता है। कि जैसे आम बटन जो घरों में लगे हुए वो आपने एक दफ़ा ऑन कर दिया तो वो नीचे ही रहेगा, लेकिन बेल बटन का क्या होता है, आपने एक दफ़ा जब उसको प्रेस किया है तो वो नीचे की तरफ नहीं रहेगा, वापसी जो है अपनी हालत में आ जाएगा। क्यों? उसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ होता है। अगर हम जो है जो नॉर्मल बटन है अगर हम लगाएंगे जैसे कि हमारे घरों में लगे हुए होते हैं तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप बेल के बटन को प्रेस करेंगे तो वो बटन ऑन ही रहेगा। तो उस सूरत में आपकी जो घर की बेल है वो ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से जो बेल का स्विच होता है वो पुश बटन कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। इसके कनेक्शन बहुत सिंपल और बहुत ईजी हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखें, ये मैंने जो है आरजी जो है घर का बोर्ड बनाया है। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि आप मेन से ले लें, किसी भी बोर्ड से जो है ना, हमको देखें हमको क्या चाहिए, इधर से लाइन और न्यूट्रल दो चीजें चाहिए, लाइन प्लस न्यूट्रल। ठीक है, ये दोनों तारे हम इधर लेके जाएंगे। कहाँ पे लेके जाएंगे? जहां पे आपने बैल का कनेक्शन बनाना है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों तारे इधर से उठाएंगे। अच्छा, लाइन ये इधर लेकर आएंगे, ये हमने इधर बैल का पॉइंट बनाया है। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल। मैं इसको जो है इधर से, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया लाइन। ठीक है, अच्छा, ये इधर तक के आ गया। अब हमने क्या करना है, न्यूट्रल को जो है ऑलरेडी हमने एक पॉइंट पे इधर ज्वाइंट कर देना है। अच्छा, बैल के अंदर ना दो पॉइंट होते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमने ये बैल का स्विच है जो बाहर अमूमन आपने देखा होगा लगा हुआ होता है, इसके बाद आपने क्या करना है, इधर से और इधर का साइज ले लेना है कि आपका कितने मीटर तार लगेगा। इधर से एक तार इधर छोड़ देनी है, ये बैल के कनेक्शन में आ जाएगी, और जो मेन लाइन है वो इस तरीके से लेके जानी है, इधर स्विच पे इधर नीचे लगा देनी है, जहाँ पे कॉमन होगा उस जगह लगाई जाएगी। ठीक है, और ये बैल है, बैल का दूसरा पॉइंट है, इसको भी दो तारे इधर से आएंगी, ये इस तरीके से। आप क्या होगा, आप जैसे प्रेस बटन को प्रेस करेंगे तो इधर से ये लाइन आ जाएगी, इधर से न्यूट्रल ऑलरेडी मिल रहा है। लाइन को इधर बैल में कहीं नहीं देना है, जो मेन लाइन है जो फेस का तार है उसको डायरेक्ट उठा के आपने इस तरीके से इधर बाहर लेकर आना है, जहाँ पे आपका बटन लगाना है। बाहर से मुराद जो मेन गेट है, जहाँ पे आपका बैल का बटन आपने लगाना है, तो आपने उधर लेके आना है। ठीक है, उधर से जो है एक तार और जाएगी जो हाफ कहलाएगी, वो इस बटन के साथ दोनों तारे इधर आ जाएंगी और इधर से ये न्यूट्रल आ जाएगा। इस तरीके से ये मैंने न्यूट्रल बनाया, मैं इसको ब्लैक पेन से भी बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये इस तरीके से ये न्यूट्रल आ गया। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि आपका जो लाइट बोर्ड हो कहीं से भी, आपने बस ये न्यूट्रल फेस लेके जाना है, आपने बैल के पॉइंट तक के रोक देना है। ठीक है, उधर से जो है आपने एक तार और मजीद उठानी है और एक फेस जो है वो बाहर जाएगा स्विच की तरफ, जहां पे आपने बैल का स्विच लगाना है। ठीक है, उधर से फिर आप ये इस तरीके से कनेक्शन होंगे और आप जैसे ही बैल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके घर के अंदर ये बैल बज जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले बस इतना ही बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।